हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में स्वागत है। आज हम अपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी के इस पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड न्यूट्रिशन यानी पाचन तंत्र एवं पोषण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, सामान्य स्वास्थ्य के लिए कुल कितने की संख्या में खनिज यानी मिनरल्स को आवश्यक माना गया है? तो इसके ऑप्शन है 19, 21, 23 या फिर 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21। सामान्य स्वास्थ्य के लिए 21 खनिजों को आवश्यक माना गया है। अगला क्वेश्चन, पची हुई वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? तो इसके ऑप्शन है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे या फिर 6 घंटे। तो इसका सही आंसर है 6 घंटे। पची हुई वर्षा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में लगभग 6 घंटे का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिन शारीरिक परिश्रम करने वाले व्यक्ति का आहार होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट युक्त, वसा युक्त, प्रोटीन युक्त या वसा रहित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट युक्त। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनका आहार कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं? तो ऑप्शन है इसके मांस, दूध, चिकन, मछली। तो इसका सही आंसर है दूध। दूध एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व निहित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का मुख्य कार्य है? ऑप्शन है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, रक्त का निर्माण करना, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नई कोशिकाएं बनाना व टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके ऑप्शन है 8, 4, 12 या फिर 32। तो स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, दूसरे केनाइन, तीसरे प्रीमोलर और चौथे मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इसके ऑप्शन है 30, 31, 32 या फिर 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 32। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में पैरिया होता है? ऑप्शन है दांत, गला, आंख या फिर कान। तो पैरिया जो होता है वो दांतों का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है ए, बी, सी, डी या फिर बी, सी, ई, के या फिर ए, बी, डी, के या फिर ए, डी, ई, के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई और के जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन है अंडा, केला, गाजर या फिर आलू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गाजर। दिए गए विकल्पों में गाजर विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। इसके अलावा विटामिन आम, अंडे की जर्दी, मछली, टमाटर, पपीता, हरी सब्जियां, पालक, सीताफल आदि से भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके ऑप्शन है प्रजनन संबंधी रोग, एनीमिया, रक्त का थक्का ना जमना या फिर बेरी बेरी। तो विटामिन ई की कमी से प्रजनन संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वासियोरकर रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोटीन। क्वासियोरकर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी किस में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है मक्खन, यकृत, अंडा या सभी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इन सभी में, यानी मक्खन, यकृत, अंडा इन तीनों में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी टोकोफेरॉल, ऑप्शन डी कैसीफेरॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैसीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है
कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसके ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी या फिर गेंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश स्रोत है? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो विटामिन डी का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है सूर्य की रोशनी, अत्यधिक पानी, संतुलित भोजन या फिर फल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूर्य की रोशनी। सनलाइट विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, सूखे रोग को ही रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमने से कौन सा विटामिन संबंधित है? ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के सहायता करता है। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में हैमरेज का खतरा बना रहता है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। तो इसका सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से मनुष्य में हैमरेज का खतरा बना रहता है, क्योंकि विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो इसके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी फिर विटामिन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है? इसके ऑप्शन है थायमिन, रिबोफ्लेविन, कोबालेमिन या नियासिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायमिन। थायमिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है साइनोकोबालेमिन, एस्कोब्रिक अम्ल, थायमिन या टोकोफेरॉल। तो इसका सही आंसर है साइनोकोबालेमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तअल्पता एवं रक्त अव्यवस्था का कारण होता है? ऑप्शन है थायमिन, राइबोफ्लेविन, विटामिन डी की कमी या फिर विटामिन B12 की कमी। तो रक्तअल्पता तथा रक्तगत अव्यवस्था का कारण जो होता है वो होता है विटामिन B12 की कमी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो इसके ऑप्शन है बेरी बेरी, एनीमिया, हैमरेज या स्कर्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनीमिया। लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 की कमी से जुड़ा हुआ लक्षण है? तो ऑप्शन है त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं या ये सभी। तो इसका सही आंसर है ये सभी, यानी त्वचा का पीला पड़ना, मुंह के छाले, दृष्टि से जुड़ी समस्याएं, ये सभी लक्षण विटामिन B12 की कमी को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है? तो इसके ऑप्शन है B2, B7, B12 या फिर B5। इसका सही आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का भी खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का वह तत्व जिसे शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं है? इसके ऑप्शन है वसा, खनिज लवण, विटामिन या फिर जल। आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन। विटामिन को शरीर एकत्रित रखने में सक्षम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है? ऑप्शन ग्लाइकोजन की तरह, आमाशय में, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह या फिर मांसपेशियों और यकृत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ट्राइग्लिसराइड, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह शरीर में वसा जमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है? ऑप्शन है एसेंडिक कोलोन में, पेंक्रियाज में, डिसेंडिक कोलोन में या फिर उदर व छोटी आंत में। तो इसका सही आंसर है उदर व छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन उदर व छोटी आंत में होता है। इनमें से कौन दूध का प्रोटीन जातीय तत्व है? तो इसके ऑप्शन है कैसीन, कैराटीन, प्रोटामीन या ग्लूटेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
कैसी फॉस्फोप्रोटीन्स है जो दूध में पाया जाता है। फॉस्फोप्रोटीन्स फॉस्फेट समूह में संयुक्त प्रोटीन्स होते हैं और जो दूध का धवल रंग होता है वो कैसीन की उपस्थिति के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे टूटता है। ऑप्शन है एमिनो अम्ल, पेप्टोन्स, ग्लिसरॉल या पेप्टाइटस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एमिनो अम्ल। प्रोटीन अंतिम रूप में एमिनो अम्ल में टूट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो इसके ऑप्शन है अंडे, मांस, तेल या फिर दूध। तो इसका सही आंसर है तेल। तेल जो है प्रोटीन का स्रोत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का निर्माण खंड है। ऑप्शन है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर खनिज। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। मानव शरीर का निर्माण खंड प्रोटीन कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में शामिल होना चाहिए। तो इसके ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। छोटे बच्चों के आहार में अधिकतम मात्रा में प्रोटीन को शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी कौन सा फूड सप्लीमेंट लेते हैं। तो इसके ऑप्शन है ग्लूकोसामाइन, ग्लूटामाइन, बी विटामिन रिबेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन इम्यून सिस्टम कार्यप्रणाली को विकसित करने के लिए तथा मसल ब्रेकडाउन को रोकने के लिए खिलाड़ी यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को मजबूत बनाता है। तो इसके ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, अस्थि ऊतक, पेशी ऊतक या सभी। तो प्रोटीन पेशी ऊतक को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना उपयुक्त बताया गया है। ऑप्शन है 27 ग्राम, 46 ग्राम, 30 ग्राम, 37 ग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है। तो इसके ऑप्शन है 63%, 17%, 12%, 1%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1%। मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का केवल 1% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। ऑप्शन है लीटर में, मीटर में, कैलोरी में या फिर किलोवाट। तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो इसका सही आंसर है विटामिन। विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। ऑप्शन है कोबाल्ट, ताम्र, क्रोमियम या फिर फास्फोरस। तो इसका सही आंसर है क्रोमियम। क्रोमियम इंसुलिन की हरकत को उत्तेजित करता है और इसकी कमी से मधुमेह हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक स्वास्थ्य आहार का एक आवश्यक तत्व है। ऑप्शन है पास्ता, मछली, पानी या फिर ब्रेड। तो इसका सही आंसर है पानी। जल स्वस्थ आहार का एक आवश्यक घटक होता है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है। जैविकीय दृष्टिकोण से जल में कई प्रकार के विशिष्ट गुण पाए जाते हैं जो जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जल स्वस्थ आहार की दृष्टि से आवश्यक घटक माना जाता है। मानव शरीर का लगभग 60-70% भाग जल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन कितने ग्राम नमक की मात्रा लेनी चाहिए। तो इसके ऑप्शन है 10, 7, 5 या फिर 8। तो इसका सही आंसर है 5। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिदिन 5 ग्राम नमक की मात्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेघा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसके ऑप्शन है पाइरिडॉक्सिन, रिबोफ्लोविन, थियामाइन या आयोडीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मानव शरीर के वजन का कितना हिस्सा खनिज तत्वों का बना हुआ होता है। तो इसके ऑप्शन है 6%, 4%, 8% या 10%। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4%। मानव शरीर के वजन का 4% हिस्सा खनिज तत्वों का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है। ऑप्शन है ओमेगा 3, विटामिन के, जस्ता या ताम्र। तो इसका सही आंसर है ओमेगा 3। मछली में ओमेगा 3 पाया जाता है जो एक फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गोइटर नामक रोग किसके कमी से होता है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन या फिर निकोटीन अम्ल। तो गोइटर जो होता है, गोइटर यानी घेंघा, या आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेनिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज। तो पाइसीकरण के पश्चात वसा का पाचन जिस एंजाइम से किया जाता है उसका नाम होता है लाइपेज, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय पाचन तंत्र में अपेंडिक्स का उपयोग होता है। ऑप्शन है पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में, पाचन क्रिया में तापमान बनाए रखने में, पाचन रस का स्राव करने में, या पाचन क्रिया में कोई योगदान नहीं होता। तो इसका सही आंसर है पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करने में। अपेंडिक्स पाचन तंत्र में पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब का लगभग 10-15% आपके निम्न में से किस अंग में अवशोषित होता है? तो इसके ऑप्शन है बड़ी आंत, फेफड़े, पेट या छोटी आंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेट। शराब का लगभग 10-15% भाग पेट में अवशोषित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए क्योंकि? ऑप्शन ए, नमक शक्ति का एक स्रोत है। ऑप्शन बी, पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन सी, नमक रक्त परिसंचरण को तेज करता है। ऑप्शन डी, नमक भोजन के पोषण गुण को बढ़ा देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पसीना निकलने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए खिलाड़ियों को नमक अधिक लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन के भंडारण हेतु उत्तरदायी अंग है? तो ऑप्शन है किडनी, लंग्स, ट्रैकिया या फिर लीवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लीवर। ग्लाइकोजन के भंडारण के लिए लीवर उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके ऑप्शन है फेफड़ा, आंत, गुर्दा, यकृत। तो इसका सही आंसर है यकृत, यकृत पीलिया में प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटेप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन है छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आम आशय में या पक्वाशय में। तो इसका सही आंसर है छोटी आंत में, लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में छोटी आंत में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम एमाइलेज कार्य करता है? ऑप्शन है प्रोटीन्स पर, लिपिड्स पर, न्यूक्लिक अम्लों पर या कार्बोहाइड्रेट पर। तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट पर, एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है 1:4:4, 4:4:1, 4:1:1, 3:2:2। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4:1:1, यानी किशोर व्यक्ति के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का अनुपात 4:1:1 होना चाहिए, यानी 4 कार्बोहाइड्रेट, 1 प्रोटीन और 1 वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, अग्नाशय। इसका सही आंसर है यकृत, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है वसा, चीनी, कैंडी, एमिनो एसिड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वसा। लिपिड को रासायनिक रूप में वसा के नाम से जानते हैं। आपको हमारा प्रश्नों का संग्रह कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।